राहुल गांधी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होते जा रहे हैं। पहली बार उनकी रणनीति और उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पर हाई है कि वह प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में राहुल गांधी ने अब 2024 लोकसभा चुनाव के बीच बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को 1-to-1 ओपन डिबेट को लेकर उन्होंने चुनौती दे दी है। राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा शख्स है जिसको बदनाम करने के लिए तमाम कोशिशें की जाती रही और काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली है। उन्होंने ट्रोल्स के जरिए इनकी छवि को खराब करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। मीडिया के द्वारा गलत सूचनाओं और काट छांट वाले वीडियो से इनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। पेड चुनावी विशेषज्ञों ने इन्हें नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के मामले में बहुत छोटा बताया, यानी ना के बराबर। और आज यही आदमी 2014 के बाद सबसे कठिन लड़ाई लड़ते हुए 24 घंटे मेहनत कर रहा है और बीजेपी का सबसे बड़ा नाक का नासूर बन गया है। यह वही रीजन है जिसकी वजह से हमें बीजेपी की ओर से हताशा भरे बयान खुद प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकलते देखे गए हैं। कभी वह भैंस मंगलसूत्र छीनने की बातें करते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस के पलटवार ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी से बहस की चुनौती स्वीकार करने के लिए पत्र लिखकर उन्होंने गेंद को चौका मार दिया है। दोस्तों, भारत के किसी भी नेता ने किसी भी प्रधानमंत्री को अब तक डिबेट के लिए खुली चुनौती नहीं दी है। कांग्रेस के द्वारा एक लेटर लिखा गया है, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए यह सीधी चुनौती प्रधानमंत्री को दी है। राहुल गांधी को लेकर जनता के बीच पप्पू वाली छवि पॉपुलर है, लेकिन यह शख्स उससे बहुत हटकर है। इनके वीडियो को काट छांट करके केवल उन्हीं पार्ट को शेयर किया गया जो कि वायरल हो जाए, उनकी छवि को खराब करने का काम किया गया। इसके लिए ही तो इनको गोंदी मीडिया कहा जाता है। बीजेपी की आईटी सेल में इन्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई है, काफी हद तक कर भी दिया है। आज देश के कोने कोने में इनके लिए लोगों के मन में बहुत अजीब सी छवि है। मगर अब इस चुनाव में इन्होंने बता दिया है कि मोदी को टक्कर देने के लिए एक शेर आया है और इस शेर को रोक पाना मोदी जी के बस की बात नहीं है। ऐसे में अगर मोदी जी में भी डिबेट करने की हिम्मत है और डिबेट के निमंत्रण को स्वीकार किया जाता है और राहुल गांधी के साथ डिबेट पे आ जाए, लेकिन इस बार डिबेट में टेली प्रॉम्प्टर नहीं होगा, दिमाग से बोलना पड़ेगा, मुद्दों पर बोलना पड़ेगा। यहां पर जुमले से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बात आंकड़ों बात फैक्ट की होगी। क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, देश को कितना फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, सभी पहलुओं पर चर्चा करना भी जरूरी है। क्योंकि कई देशों के अंदर हम देखते हैं कि चुनाव से पहले वहां पर जो बड़े सीनियर लीडर होते हैं, जो मुख्य भूमिका में होते हैं, उनके बीच डिबेट होती है, लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। विपक्ष ने खुली चुनौती दी है, अब देखना यह होगा कि हमारे प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करते हैं और कब डिबेट के लिए हामी भरते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।